हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारो, जो आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ के इंग्लिश के लेसन नंबर 6 को। इस लेसन का नाम है जो आवर फेस्टिवल्स। इस लेसन को हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था। इस वीडियो में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे बच्चों, तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। बच्चों, इस लेसन में जो इसके एक्सरसाइज में वर्ड पावर पहला क्वेश्चन यह है, इसमें जो ए नंबर वाला है वो है गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर आप कुछ वर्ड्स देख सकते हैं जैसे ओपन, हैप्पी, लॉन्ग, लाइट, गो। तो इन वर्ड्स के हमें एंटोनिम्स लिखना है। तो एंटोनिम्स मीन्स होता है बच्चों उल्टे शब्द, ठीक, जिससे कि हम अपोजिट वर्ड्स भी बोलते हैं। जैसे कि पहले देख लेते हैं बच्चों, ये ओपन है, तो ओपन मीन्स होता है खुला हुआ, ठीक है, खुला। तो इसका जो एंटोनिम्स बनेगा बच्चों वो होगा क्लोज। क्लोज की स्पेलिंग होती है CLOSE, क्लोज, ठीक। सेकंड वर्ड है ये है हैप्पी। हैप्पी मीन्स होता है खुश, ठीक, या फिर खुशी। तो इसका हो जाएगा सैड। सैड मीन्स उदास। थर्ड है लॉन्ग। लॉन्ग मीन्स होता है लंबा। तो इसका हो जाएगा एंटोनिम्स शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट, ठीक। शॉर्ट मीन्स होता है छोटा। लाइट, लाइट मीन्स होता है हल्का या फिर प्रकाश भी होता है। तो इसका हो जाएगा डार्क। डार्क मीन्स होता है गहरा, ठीक, या फिर अंधकार। गो, गो मीन्स होता है जाना। तो इसका एंटोनिम्स बनेगा बच्चों कम। कम मीन्स आना, COME, कम। कम मीन्स आना। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों अब इस एक्सरसाइज के बी वाले पार्ट को करेंगे, जो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उन वर्ड्स की हेल्प से हमें ये फिलअप्स कंप्लीट करना है बच्चों। जैसे कि सेलिब्रेट है, अर्थ एंड लैम्प्स है, ब्रदरहुड है, फेस्टिवल्स और रिटर्न है, इस तरीके से। तो जो फर्स्ट वाला फिलअप्स है बच्चों वो है पीपल लाइट डैश ऑन द फेस्टिवल ऑन ऑफ दिवाली। तो जो लोग हैं वो दिवाली के फेस्टिवल पर अर्थन लैम्प्स यानी मिट्टी के दिए जलाते हैं, ठीक। तो ये फर्स्ट वाला इधर आ जाए, तो ये यहाँ पर फिल हो जाएगा। हाँ, सेकंड है ईद इज अ फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस एंड डैश। ईद जो त्योहार है वो खुशी का त्योहार है और भाईचारे का त्योहार है। तो भाईचारे को हम बोलते हैं बच्चों ब्रदरहुड। तो सेकंड वाला ये है ब्रदरहुड, इस जगह पर आ जाए। थर्ड है वी डैश दिवाली ऑन कार्तिक अमावस्या। तो कार्तिक अमावस्या पर हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं बच्चों, मनाते हैं। तो ये थर्ड वाला यहां पर आ जाएगा सेलिब्रेट। फोर्थ है इंडिया इज ए लैंड ऑफ डैश। तो इंडिया है त्योहारों की धरती है, ठीक। तो फेस्टिवल्स आ जाएगा, लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। तो फोर्थ में फेस्टिवल आ जाएगा इस जगह पर। फिफ्थ है दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉल लॉर्ड राम्स डैश टू अयोध्या। तो दिवाली राम जी के अयोध्या लौटने की याद में मनाई जाती है। तो यहां पर रिटर्न, ये फिफ्थ वाला इस जगह पर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप ना ये फिलअप्स वाला क्वेश्चन भी होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। तो जो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है वो है व्हेन डू वी सेलिब्रेट दिवाली। हम दिवाली कब सेलिब्रेट करते हैं, कब मनाते हैं? तो इसका आंसर आप लिखेंगे वी सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ कार्तिक। हम दीपावली कार्तिक महीने में मनाते हैं, ठीक। तो यहां से यहां तक बच्चों ये रेड वाला आपको दिख रहा है, ये तो आपको क्वेश्चन में से ही देख के लिखना है वी सेलिब्रेट दिवाली, ठीक। आपको याद कितना करना है इन द मंथ ऑफ कार्तिक, मतलब कार्तिक माह में हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। बस कितना आसान है बच्चों, बस इतना सही याद करना है। हाँ, अब सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है होम डू वी वर्शिप ऑन दिवाली। हम दीपावली पर किसकी वर्शिप यानी पूजा करते हैं? तो इसका आंसर होगा
वी वर्शिप द गॉडेस लक्ष्मी, हम गॉडेस लक्ष्मी हैं उनकी पूजा करते हैं दीपावली के टाइम पर, ठीक, क्योंकि ये धन धान्य की देवी हैं इसलिए इनकी पूजा की जाती है। तो वी वर्शिप आपको क्वेश्चन में से यहाँ पर से देखना है और बस आपको याद क्या करना है, द गॉडेस लक्ष्मी, इतना सा आपको याद करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये है हाउ डिड सतीश सेलिब्रेट दीपावली, तो दिवाली सतीश कैसे सेलिब्रेट करता है, तो इसका आंसर होगा सतीश पुट ऑन न्यू क्लॉथ, सतीश दीपावली के दिन नए कपड़े पहनता है, वर्शिप द गॉडेस लक्ष्मी और लक्ष्मी जी की पूजा करता है, एट स्वीट्स एंड एंजॉय विद अदर्स, और मिठाइयां खाता है और दूसरों के साथ एंजॉय करता है। तो सभी इसी तरीके से त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, उच्च नए कपड़े पहनते हैं, उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, मिठाइयां खाई जाती हैं और अन्य व्यक्तियों के साथ उसे त्योहार को एंजॉय किया जाता है, ठीक। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर भी लिख सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बच्चों, ये है व्हाट डू पीपल डू इन द मंथ ऑफ रमजान, रमजान के महीने में लोग क्या करते हैं, तो इसका आंसर आप लिखेंगे पीपल ऑब्जर्व फास्ट एंड प्रे द आलमिटी इन द मंथ ऑफ रमजान। पीपल जो है वो फास्ट रखते हैं, फास्ट का मीन्स होता है उपवास रखते हैं, उस पूरे महीने में उपवास रखा जाता है, ठीक, एंड प्रे द आलमिटी और आलमिटी से प्रार्थना करते हैं जो सर्वशक्तिमान है इन द मंथ ऑफ रमजान, रमजान के महीने में। तो यहां से लेके यहां तक आपको याद करना है बच्चों, पीपल ऑब्जर्व फास्ट एंड प्रे द आलमिटी और इन द मंथ ऑफ रमजान, ये आप क्वेश्चन में से देखकर ही लिख सकते हैं ये इस जगह से, इन द मंथ ऑफ रमजान, ठीक। अब देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है हु टोल्ड गौतम अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ ईद, ईद के सेलिब्रेशन के बारे में गौतम को किसने बताया था, तो बच्चों गौतम को अनीस ने बताया था, ठीक। तो आप इसका आंसर लिखेंगे अनीस टोल्ड टू गौतम अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ ईद, अनीस ने ईद के सेलिब्रेशन के बारे में बताया था गौतम को कि ईद किस तरीके से सेलिब्रेट की जाती है। तो आपको सिर्फ याद क्या करना है बच्चों, अनीस, बाकी सब क्वेश्चन में से देख के लिखना है, यहां से टोल्ड द गौतम अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ ईद, बस इस हु की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये अनीस लिख, इतना सा बस हमें याद करना है। सिक्स्थ है हाउ डू पीपल ग्रीट वन अनदर ऑन ईद, तो जो लोग हैं वो एक दूसरे को कैसे बधाइयां देते हैं ईद की, तो इसका आंसर आप लिखेंगे पीपल से ईद मुबारक एंड हग वन अनदर, जो लोग हैं वो एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं और एक दूसरे से गले लगते हैं, इस तरीके से ईद की बधाइयां दी जाती हैं बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों आप ये क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब बच्चों क्वेश्चन आंसर्स के बाद हम ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन करेंगे, तो ये बी नंबर वाला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टेक द ट्रू एंड फॉल्स, तो यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, उन सेंटेंस को हमें पढ़ना है और उसके बाद हमें बताना है कि वो सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू मीन्स अगर सही है वो सेंटेंस तो हम उसे ट्रू लिखेंगे उसकी जगह पर, और गलत है तो वहां पर हम फॉल्स लिखेंगे। तो देख लेते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहला जो सेंटेंस है वो है दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक, बिल्कुल सही बात है बच्चों कि दीपावली कार्तिक मास में मनाई जाती है, तो यहां पर हम इसे ट्रू लिखेंगे, ठीक सही है ये। सेकेंड है वी गॉट अवर हाउसेज वाइट वॉश्ड ऑन दिवाली, दीपावली के दिन हम अपने घरों को वाइट वॉश करते हैं यानी पेंट करते हैं या फिर पुताई करते हैं, तो ये भी सही बात है बच्चों, ये भी ट्रू है। थर्ड है गौतम ब्रॉट अ लेटर टू सतीश, गौतम ने एक पत्र सतीश के लिए लिखा था, तो ये भी सही बात है, ये भी ट्रू है। फोर्थ है पूजा इज द एल्डर सिस्टर ऑफ सतीश,
पूजा सतीश की बड़ी बहन थी? नहीं, पूजा सतीश की यंगर सिस्टर थी, यानी छोटी बहन थी। तो बच्चों ये फॉल्स है। फिफ्थ है, सतीश मदर ओपन द लेटर हरसेल्फ। सतीश की माँ ने जो गौतम का पत्र था वो खुद ही ओपन कर लिया था, मतलब खुद ही खोल लिया था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, ये एक बैड मैनर्स है। उन्होंने उस लेटर को नहीं ओपन किया था, बल्कि सतीश ने ही उस लेटर को ओपन किया था, वो उन्हें अपनी माँ को पढ़ के सुनाया था। तो ये बच्चों फॉल्स है, ये गलत बात है। ठीक, तो इस तरीके से हमने बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखा। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी बच्चों, क्वेश्चन आंसर आपको इजीली समझ में आए होंगे। और बच्चों आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।